दोस्तों, अब की बार मैंने एक गोखरू की पौध लगाई है खेत में, तो इनमें फूल वगैरह भी चालू हो गए हैं नए। और ये अभी पौध लगाई थी, ये सेट हो गई है बरसात बढ़िया आने से। तो यहाँ तक मैंने पौध लगाई हुई है। उसके अलावा इसमें बीज मैंने बिखेर रखा था पहले, तो वो पौध भी ऑटोमेटिक लगी हुई है इसमें, सारे खेत में ही है। जैसे ये रही पौध, ये रही, ये चालू ही है पौध भी। अब इनको सबको निन्याण वगैरह निकाल के एकदम सही से फिर दिखने लग जाएंगे। अभी डेली रूटीन में ही काम चल रहा है इसका, जड़ी बूटियों की खेती का। अब ये अपने आप लगी हुई पौधे, इनके मैं थोड़ा सा खड्डा कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे जाए निन्याण में। फिर खाद वगैरह भी देना है मेरे को, खाद भी ला के देना है, ऑर्गेनिक प्योर खाद। अब ये पौध वगैरह सारी लगाई हुई सेट हो गई, तो अभी ये मैं फूल वगैरह भी आने चालू हो गए। बाकी इस खेत में सारे के अंदर पौध ही पौध हैं, वो सारे अब थोड़े दिन बड़ी हो जाएंगे, फिर निराण निकलवाएंगे तब उसके अंदर ऊपर निकल जाएंगे, खरपतवार कटवा देंगे। अब यहाँ मैंने थोड़ा सोनामुखी के बीज भी लगाए हुए हैं। ये जो बीज हैं ये सनाए के हैं, सोनामुखी के। और अभी और दो तीन चीज़ों के पेड़ लगाऊंगा, मतलब पौध वगैरह और ला के लगाऊंगा। मैं गोखरू का बीज बीज खंडा बिखेर रखा था, ये पौध ही पौध है। और इसमें निनान करने के बाद में दिखाई देगा कि कितनी पौध हैं और कितनी और लानी है। अब की बार देखते हैं एक बार और ट्राई करके कि भाई खेती के अंदर कितना बेनिफिट है, कितना क्या मार्जिन है। अब ये है नार काटे का बीज है, ये पौध पौध लग रही है, इसमें नार काटा बोलते हैं वो लगता है। और बाकी अभी ये ग्वार पाठा की ये पिकअप करी है, इसमें पूरा ग्वार पाठा भर के मैंने उधर लगाया। और इसमें ये जाटी के पास में मैं अभी ककोड़े की खेती करने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने ग्वार पाठा लगा रखा है ताकि ये दूब घास ना बढ़े और थोड़ा कटाव ना, उसके लिए भी लगाऊंगा।